और सर, JDS ज्वाइन करने का रीज़न? अब देखिए, हम लोग शुरू में तो हम लोग सोचा था तो एजेंट फोन करेगा बिफोर इलेक्शन इज अनाउंस। एजेंट तो हम लोग सबमिट किया अरुणाचल डेमोक्रेटिक फ्रंट, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये है माने कि इट विल टेक 3 मंथ्स मिनिमम, तो इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो फोन करके तो ये नहीं होगा ना, बिकॉज वी हैव टू कंटेस्ट इन पार्लियामेंट असेंबली। और सजेशन दे दिया था यू हैव टू AC अरुणाचल कांग्रेस, अरुणाचल कांग्रेस को अगेन रिवाइव कर सकता है, इसके लिए भी हम लोग सबमिट किया, ये जल्दी होगा बोला, ये भी कर दिया, ये भी टाइम लगेगा अनदर 2 to 3 months। तो ऐसे समय में हम लोग ऑलमोस्ट निराशा जैसा हो गया था। PPA तो ज्वाइन करने के लिए बोला, लेकिन PPA में तो अब जानता है हालत, ये तो स्टीयरिंग हाथ जैसा आयरन गायरन कर देगा होता है। PPA तो अभी का प्रेसिडेंट अच्छा है, चेयरमैन भी अच्छा है, लेकिन वो तो ये उसके बाद में है, जनरल सेक्रेटरी तो बहुत अच्छा आदमी लोग है, लेकिन उसको यूज़ करता है ना, BPA का एक नाम तो खत्म कर दिया रिपोर्टेशन के बाद भी है, और इसका साफी लोग बोलो PPA में जाने नहीं मिलता है। और दूसरा रीजनल पार्टी में तो नहीं, और रीजनल पार्टी फॉर्म करने में टाइम लगेगा, और नेशनल पार्टी में तो बहुत ऑफर करता है, लेकिन इसमें भी ये लगता है वो लोग भी विलिंग है कि हम लोग को सामने आओ कॉन्टेस्ट करेंगे, सेम कॉमन लोगो है, कॉमन फ्लैग है और बैनर है और पोस्टर होगा, और इसके बाद में सिम्बॉल होगा, और हमारे पार्टी में करो। लेकिन सबसे अच्छा था ये तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD Devegowda, he suddenly came there at Dibrugarh, and before he came from came to Dibrugarh, he was calling me from Bangalore that Mr. Appana is coming to Pasigar also, but first I'll be landing at Guwahati, and from Guwahati I'll take flight and I'll reach there Dibrugarh airport and receive me. तो हम रिसीव किया, बिकॉज हिज इंटेंशन वाज दैट ही वांटेड टू सी द बोगीबिल। बोगीबिल हैज बीन हिज मेन आर्किटेक्ट, इट वाज हिज ब्रेन चाइल्ड, तो ही वांटेड टू गिव कनेक्टिविटी टू पीपल ऑफ नॉर्थ बैंक साउथ बैंक ऑफ यू नो गुवाहाटी आसाम एंड अरुणाचल का भी नागालैंड का भी बेनिफिट होता है। इस दे तो वो ये देते हैं 400 करोड़ सेंसर किया लोग समय में, इंस्टेड ऑफ फिनेंशियल कंस्ट्रेंट बट ही हैज सेंट्रल डेट, इट वाज बोल्ड डिसीजन फॉर हिम टू गिव यू नो कनेक्टिविटी फॉर द पीपल। अपंग साहब, ये काफ़ी 2002-03 का बात है, जब बोगीबिल का जब शुरुआत हुआ था, देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, आप उस समय में शायद मुख्यमंत्री थे। यस सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आप जनता दल सेकुलर, आज सेकुलर का आप सदस्य हो चुके हैं, तो अरुणाचल में जो इलेक्शन जो आने वाला है अगला 1-2 महीने का अंदर में हो जाएगा, उसमें आपका क्या प्रोस्पेक्ट रहेगा और आप कैसे जाना जा रहे हो? आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक, विल कंटेस्ट ऑल द सीट्स, बट सेकुलर फोर्सेस आर देयर लाइक कांग्रेस एंड अदर्स, विल डिस्कस सम सीट एडजस्टमेंट, बट विद BJP नो एट ऑल। BJP का देयर एटीट्यूड ऑफ यू नो वे हाउ forcefully they would like to pass in the country that kept. It is against every state of northeastern region are very unhappy and they very angry. Sir, so, will you also contest the elections? I have to contest. अपंग साहब, अभी तक क्या प्लानिंग है, क्योंकि ऑलरेडी आपका अरुणाचल डेमोक्रेटिक फ्रंट बनने वाला था, बनते बनते रुक गया, आप जैसे अभी बताएं जो एक्सपेक्टेशन समय लगेगा बोल के,
तो कितना कैंडिडेट अभी जनता ये जनता दल सेकुलर में तैयार हो सकता है आपके साथ और एमपी का? अब आज न्यूज भी सुना होगा, कल ही वो ये हुआ था, ये अनाउंस करता है। तो ये तो नेक्स्ट मंडे में आप अपॉइंटमेंट ऑर्डर विल कम टू द प्रेसिडेंट, देन आफ्टर अपॉइंटमेंट एंड एक्सेप्टेंस एंड अपॉइंटमेंट ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, that is after that we will request the people within candidate prospective candidate to join us. आप अरुणाचल सर, आप अरुणाचल के एक वेटरन पॉलिटिकल लीडर है, काफ़ी साल आपने अरुणाचल में मुख्यमंत्री बन के लोगों को सेवा किया, अभी आप जनता को क्या कहेंगे सर? जनता का कहना मांगता है कि लेट बेटर देन नेवर, बेटर देन नेवर, तो लेट हो गया लेकिन अच्छा अच्छी तरह से अति ढंग से प्रॉपर स्टेप हम आ रहे हैं, अपंग नौ अरुणाचल बचाओ, ये स्लोगन होगा होने होने। और इसका जैसे मेरा मकसद है कि हम पहले जैसे चला था इतना कम अमाउंट में 27 करोड़ से हम स्टार्ट किया ना, लेकिन कभी भी ये तो ये डिफिजिट हो नहीं है। जनता दल सेकुलर का सब ऑफिस और कंस्टिट्यूट वगैरह कब शुरू होगा? ऑलमोस्ट हो गया, कैपिटल तो है और ये एवरीथिंग सेट, एंड कैंडिडेट आना है, विल इनवाइट द कैंडिडेट, कैंडिडेट हम लोग के साथ में आएगा, तो कैंडिडेट का साथ में हम लोग पार्लियामेंट असेंबली कैंडिडेट के साथ में करके हम लोग स्टेट लेवल का करके ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल में करके सेमटेनियसली इसका ब्लॉक लेवल में करके विलेज लेवल में एंड ऑल फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन विल आल्सो बी फॉर्म्ड विद इन द वीक। सर स्टेट का पॉलिटिक्स बहुत गर्मी है, सबसे बड़ा तो कैब का था जो आपने अभी बता दिया, पीआरसी एक इशू बहुत गर्मा के बैठा हुआ है सर, पीआरसी इशू का ऊपर में आप क्या बोलेंगे? no. इसलिए तो हम बता रहे हैं विद दैट दिस टू इश्यूज आई हैव रिजाइन फ्रॉम द बीजेपी, ये इसलिए तो इसको ठीक करने के लिए हम आएगा तो केवल ये चीज में सियांग रिवर के ऊपर में जो बिग डैम जो मेगा डैम बनाना वो अपोज करने के लिए आ रहा हूँ, करने नहीं देगा। और दूसरा है ये तो मेडिकल का फ्री करने दे, फिर करूँगा, इट वॉज ए फ्री इन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल दिस थिंग, हेल्थ फॉर ऑल, और इसके बाद में एजुकेशन फॉर ऑल, एजुकेशन भी फ्री था मेरे समय में, और सर्विस का भी हम दे देगा, अभी सर्विस नहीं था अब तक कितना ऑफिसर को बाबू को ये स्टाफ को दे दिया, और जितना प्यान सकीर भी अभी इसको ये दे देना सर्विस स्टाफ सेलेक्शन कमिटी में, वो तो गलत क्या है, तो जितना अनएम्प्लॉयड यूथ का कोई प्रस्पेक्टिव नहीं खत्म किया सर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फिनिश एंड कॉन्ट्रेक्टर को भी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर लगा करके उन लोग कर रहा है टेंडरिंग, टेंडरिंग कौन नहीं देगा, वो ऑर्डर होगा और अनएम्प्लॉयड यूथ विल डू वो, ये हम करने मांगता है। थैंक यू सर, बहुत अच्छी तरह से हम संभालेगा।